ये है दिल्ली दर्पण। भैया वो बेकसूर फंसा दियो पूरा गांव गवाही दे देगो केशुराम और चौकी इंचार्ज ने फंसाया। नीमका जेल में कैदी की आत्महत्या से गुस्सा उसके परिजनों ने आज पहले तो सड़क पर जाम लगाया, उसके बाद में चांदपुर चौकी पर पथराव किया जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बेवजह युवक को गिरफ्तार किया था, उसे टॉर्चर किया जिसकी वजह से युवक ने आत्महत्या कर ली। चांदपुर चौकी के बाहर बिखरे पड़े नजर आ रहे ये पत्थर बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह यहाँ पर पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दरअसल आज सुबह खबर आई कि नीमका जेल में बंद युवक ने आत्महत्या कर ली जिसके बाद उसके परिजन और ग्रामीण गुस्से में आ गए। फिर उन्होंने पहले तो नीमका जेल के बाहर प्रदर्शन किया, फिर एकत्रित होकर चौकी जा पहुंचे और वहां पथराव किया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर उनके परिजन को मामले में फंसाया था, अब परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। गांव ने उसके पैरों में पड़ गए, इसे छोड़ दे, दोषी है उन्हें पकड़ ले तू, लेकिन किसी की नहीं मानी पुलिस वालों ने और हमारे भाई को निर्दोष को उन्होंने किया है पूरे गांव में पूरे पुलिस वाले हैं चांदपुर पुलिस चौकी के भैया कसूर फंसा दियो पूरा गांव गवाही दे देगो केशुराम और चौकी इंचार्ज ने फंसाया है और कहीं माँ में हाथ भूरा को है भैया पूरा भूरा और पप्पी के छोरान को और पप्पी को भैया इन्हें मेरा छोरा फंसा दियो जाके लड़ाई में पकड़े भी ना है। चौकी पर पथराव की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर आ पहुंचे और चौकी पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। फिलहाल पुलिस अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। नहीं वो तो पब्लिक है, कहे कुछ कहे जी, लेकिन केस दर्ज था ये जी, और पुलिस के साथ पीछे झगड़ा हुआ है, उसने एक आदमी अरेस्ट हुआ था जी, वो आज सुसाइड कर गया उसके अंदर जी, जेल में उसकी मजिस्ट्रेटी जाँच ऑलरेडी हो रही है और उसी रोज में कुछ यहाँ छोटे मोटे के पथराव से हुआ, कुछ छोटी मोटी कहा सुनी हुई है जी। इसमें तीन चार मुलाजमों मामूली सी को चोट आई है जी। तो उनको समझा दिया कुछ, एक बार रोज में कुछ रोड जाम किया था और रोड भी चल पड़े। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।